सवाल मेरा ये है कि जो नाबालिग बच्चे को कोई उसके रिश्तेदार वगैरह पैसे दे जाते हैं, तो क्या वो पैसे वालदैन खर्च कर सकते हैं या नहीं खर्च? सवाल रहनुमाई फरमा। सवाल ये पूछा है कि नाबालिग बच्चों को जो रकम दी जाती है, क्या वालदैन सरपरस्त इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसकी बीसियों सूरतें होती हैं, ठीक है, कि किस मौके पर ये रकम दी गई है। बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं कि जिसमें फ़कत वालिदैन को देना मकसूद होता है, जैसे बच्चे की पैदाइश के वक्त जो है, ठीक है, वो दे जाते हैं कि वो उसमें मकसद वालिदैन को देना होता है, वो बच्चे को देना मकसूद नहीं होता, बच्चे ने उस पैसे का क्या करना है। इसी तरह खाने पीने की बात चीज़ें, वो ऐसी ऐसे बच्चे को दे के जाते हैं और बच्चा की अभी पैदाइश हुई होती है, उसने कहा मिठाई लेकर आ जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है वालिदैन के लिए ही होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड होता है। और बात सूरतें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे के लिए होती हैं, जैसे ईदी होती है, अब ईद पर बच्चों को दे दिए 50, 60 रुपये, 100 रुपये, तो ये आमतौर पर वालिदैन को देना मकसद नहीं होता, ये बच्चों ही को देना मकसद होता है। बच्चे की उम्र के हिसाब से दिए जाते हैं, या बच्चे की बर्थडे है उस पर दिए जाते हैं, या रोज़ा कुशाई है उसकी उम्र ऐसी ही कि उस उम्र में उसको पैसे दिए जाते हैं, जो जाहिर ये होता है कि वो बच्चे के लिए दिए जा रहे हैं, तो फिर वो बच्चे ही के लिए हैं, वालदेन को उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, उसको संभाल के वो रखेंगे उसके लिए। ठीक है, जज़ाकअल्लाह।